पहले बच्चों, ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जेई मेन के डाउट्स हैं। तो ये क्लास लेने से पहले मैं बता दूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जेई मेन के इस क्वेश्चन बैंक में हमारे, बिकॉज असल में होता क्या है कि 2002 से जब AIEEE शुरू हुआ, तो शुरुआत में करंट इलेक्ट्रिसिटी में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट और थर्मोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है, बेसिकली सॉरी थर्मो कपल वाला जो कंसेप्ट है ये सिलेबस में हुआ करते थे, अब वो हटा दिए गए हैं। तो मैं जो अपने डाउट्स ले रहा हूँ उनमें से वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो जेई के सिलेबस में नहीं, तो उनको हम पढ़ते नहीं, तो उनके सवाल लेकर के क्या करेंगे। तो जो बचे हुए डाउट्स है वो मैं ले रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये भी एक्चुअली इस चैप्टर का सवाल नहीं है, इसके अगले चैप्टर का, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसका सवाल है। ये कह रहा है इफ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई दो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं स्प्रिंग को देखूं, तो उसके हर जो वायर है वो अपने बगल वाले वायर के पैरेलल होता है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो जी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आगे चल करके पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहे हैं द लेंथ जी ऑफ अ सर, वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड द ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज कैपिटल ई वोल्ट। तो यहां पर उन्हें दिया नहीं है, इसलिए मैं मान लूंगा ये कैपिटल ई वाले जो सेल है उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर तुमको जो मैंने पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनवाया था वो वाला सर्किट याद हो, तो एक ये ड्राइवर सेल होता है जो कि यहाँ पर कैपिटल ई का है। इसके साथ हम लोग इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे उन्होंने दे नहीं रखा है, तो ना हम वेरिएबल रेजिस्टेंस पिक्चर में लेंगे और ना ही क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में लेंगे। तो AB की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर अगर हम E इज इक्वल टू फाइव एल के हिसाब से देखें, तो एल साफ नहीं आया, E इज इक्वल टू एल फाइव एल के हिसाब से देखें, तो यहां से कैपिटल एल इज इक्वल टू 5 × 100 आ जाएगा। जी दूसरी बात क्या हुआ, जब मैंने इसके साथ एक स्मॉल ई ईएमएफ का और 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल लगाया, एक गैल्वनोमीटर के थ्रू लगाएंगे, तो जो मेरी बैलेंसिंग लेंथ आई वो 30 सेंटीमीटर आई। तो तुमको मालूम है पोटेंशियोमीटर में जब हम लोग नल पॉइंट निकालते हैं तो गैल्वनोमीटर में करंट जीरो होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, जी हो जाएगी E इज इक्वल टू 5 × 30, और यहाँ से E इज इक्वल टू 30/100 इंटू कैपिटल E आ जाएगा। तो ये D वाला जो आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी सर, अब यहाँ पे अगर वो वेरिएबल रेजिस्टेंस या इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता, तो फिर जो कैपिटल ई इज इक्वल टू 5 × 100 है वो नहीं कर पाते, लेकिन वो मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है। बाकी का सवाल आएगा तो उसको समझा देख लेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज एस व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज पी इफ एस इज इक्वल टू एन पी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एस। तो बेटा क्या कहते हैं, एस इज इक्वल टू R1 R2 और P इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। तो इस R1 + R2 को अगर मैं, इन्होंने कहा कि एस इज इक्वल टू NP, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं यहां से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, जो कि मैथमेटिकल तरीका है। जैसे मान लो मैं यहां पे R2 को S-R1 रख दूं, तो यहां पे आ जाएगा S इज इक्वल टू एन पी, जो कि हो जाएगा N R1 × S-R1 अपॉन R1 + R2, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अरे बल्कि इसको R1 + R2 फालतू तो ले दिया, इसकी वैल्यू S आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी S²
अपॉन आर वन इंटू एस माइनस आर वन। ठीक है, इस तरीके से मैं एन में एक इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ एन चाहिए, तो अब इन्होंने कहीं दे नहीं रखा है, बट आई एम एज्यूमिंग कि कैपिटल एस जो है और पी जो है इसमें से अगर हम आर वन आर इस कैपिटल एस को कांस्टेंट मानो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आर वन आर टू जो है वो उसमें से एक मतलब कैपिटल एस को कांस्टेंट मानूं, तो मेरा ये डिनोमिनेटर जो है इसको मिनिमाइज, मतलब बेसिकली एन को मिनिमाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है, तो ये हो जाएगा एस आर वन माइनस आर वन स्क्वायर, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसका डी बाई डी आर वन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एस माइनस टू आर वन। ठीक है, यहां से आर वन की वैल्यू एस बाई टू आ जाएगी, और यहां से एस बाई टू डाले तो एस स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो एन की मिनिमम वैल्यू फोर आ जाएगी। ठीक है, तो ये यस फोर राइट आंसर। ठीक है, अब सर, यस सर, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, द थर्मिस्टर सच। तो बेटा ये भी क्या कहते हैं, आउटसाइड द सिलेबस टाइप की ही चीज है, लेकिन क्या कहते हैं, थर्मिस्टर ऐसी चीज होती है जो कि मेटल ऑक्साइड होते हैं, नहीं पता है तो पता नहीं है, लेकिन थर्मिस्टर ऐसी चीज होती है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करा लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली थर्मोमीटर टाइप की चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी ये चीज है इसकी हाई टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस तेजी से बदलेगा, ये एक बात है, तो ए और बी में से कोई आंसर है, और ये संभवतः मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं, तो इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा, पर ये बात हम लोगों कहीं किताब में दे नहीं रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी सेवन के सर, बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जी थ्री पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन, इफ द बैटरी ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज, तो बहुत आसान सवाल है, जैसे आपने इसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो किया इसका मतलब ये पता लग गया कि किस रास्ते से चल करके आए तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, तो जी सर, यानी कि यहां पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो यहां पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि टोटल 12 होना है, नहीं तो यहाँ 10 वोल्ट है, जी यहाँ 2 वोल्ट है, तो अगर ये 50 ओम है तो यहाँ पे सॉरी 500 ओम है तो यहाँ पे 50 ओम होगा, बिकॉज अगर सीरीज में करंट फ्लो कर रहा होगा तो V इज इक्वल टू आई आर का मतलब, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो सारा का सारा करंट बैटरी से जो 500 ओम में जा रहा होगा वही ओम आर ओम वाले में भी जा रहा होगा, दोनों का करंट सेम है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू आर वाली वजह से, अगर यहाँ पे वोल्टेज 10:2 है तो ये 500 पे, सॉरी मैं 50 गलत बोल गया, 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जी जो सीरीज में दो चीजें लगी हुई हैं इनके लिए V1 और V2 का रेशो, V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, तो ये रेशो 10:2 का है, टू R1 यहाँ पर 500 है, तो R2 की वैल्यू 100 ओम आ गई। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये भी इस चैप्टर का सवाल नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज ये अगले चैप्टर में आएगा, तो ये कह रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 150 इक्वल डिविजन्स, इट्स करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, तो वैसे तो ये बात क्लियर ही हो गई कि बेसिकली अगर मैं इसको 1 डिविजन मतलब 1 मिली एम्पियर का करंट दूंगा तो ये 10 डिविजन हिल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। ठीक है, जी तो इसका मतलब अगर 2 डिविजन पर मिली वोल्ट है तो 10 डिविजन अगर मुझे हिलाना है तो मुझे 5 मिली वोल्ट की सप्लाई देनी होगी, ये बात क्लियर है। हाँ, जी सर, इन दोनों चीजों से मेरे वो क्या निकल के आ गया,
बेसिकली 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है और 5 मिली वोल्ट पे 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, यानी कि बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का हो गया। ठीक है, जब मैं 5 मिली वोल्ट का वोल्टेज दूंगा तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इसका ये मतलब हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्या कहते हैं, अब नहीं अगर सर। मान लो ये गैल्वनोमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये जो मैक्सिमम करंट ले सकता है, देखो इन्होंने कहा कि 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन है और इसके ऊपर मैक्सिमम 150 डिवीजन है, इसका मतलब जो मैक्सिमम जो करंट ले सकता है वो 15 मिली एम्पियर का ले सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? इससे ज्यादा करंट देंगे तो नहीं गैल्वेनोमीटर की औकात से बाहर हो सर। जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट द रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल। तो मैं क्या चाहता हूं, इसके साथ सीरीज में एक कैपिटल आर का रेजिस्टेंस लगा दूं ताकि 1 वोल्ट की बैटरी पे, 1 वोल्ट की बैटरी पे इसमें एक वोल्ट का पोटेंशियल देने पे इसमें एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो अगर एक वोल्ट पे एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन है तो 10 वोल्ट पे डिवीजन का डिफ्लेक्शन है जो कि 1 मिली एम्पियर है ना। इसका मतलब अब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया यस R+5, इसकी वैल्यू हो गई 10/0.001, 10,000 ओम। ठीक है, तो पहले 1 मिली एम्पियर के लिए मुझे 10 डिवीजन चाहिए थे, तो अब फिर से 10 डिवीजन के लिए मुझे 10 वोल्ट लगाने पड़ेंगे, तो 10 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर का करंट होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो R+5 = 10,000 का मतलब हो गया कि R = 9995 ओम्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो? सर, ये वोल्ट हाँ, ये मीटर वोल्ट बना मीटर बना रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगले चैप्टर में आएगा, पर जो इसके बेसिक सारे लॉजिक हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही हैं। तो बेसिकली मुझे पहले कितने करंट पे कितना वोल्टेज लगता था उस रिलेशन से पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था। इसको मैं गलती कह रहा हूं, दोनों को आर लिख रहा हूं, इसको RG कह देता हूं। ठीक है, और उसके बाद जी। बाद में जब सीरीज में मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है, उसके बाद कितने वोल्टेज पे कितने डिवीजन थे, उससे कितने वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो करता था, उससे RG+R की वैल्यू आ गई और फिर सब्ट्रैक्ट करके R की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 24, ने टिक नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्सेज आर R1 एंड R2। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज जीरो। अरे बाप रे बाप, एक मिनट रुक जाओ। तो सर्किट कैसा बन गया, मेरे पास क्या बना दूं, एक ई वोल्ट का और R1 वाला एक सेल है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक छोटी सी दिक्कत है जो मैं देख पा रहा हूं, तुम देख नहीं पा रहे होगे। ये कह रहे हैं टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ
आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना। अब यहां पर इस चीज के तीन मतलब निकल सकते हैं। एक तो बात क्या हुआ, दोनों चीजों को सीरीज में लगा करके आर से लगाएं, ठीक है। दूसरा हो और सकता है, दोनों चीजों को उल्टा या पैरेलल। पैरेलल में लगा करके और आर से लगाएं। और तीसरा मतलब हो सकता है कि एक बार ई, नहीं उल्टा उल्टा। नहीं, ई आर वन के साथ आर लगाएं और दूसरा बार ई आर टू के साथ आर लगाएं, ठीक है। ये तीन केसेस हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हुई, ये कह रहे हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्सेस आर वन एंड आर टू, आर वन ग्रेटर देन, अरे आर वन ग्रेटर देन आर टू लिखा होगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ये बेटा आर टू ग्रेटर देन आर वन लिखा है, तो बहुत ही गलत, बड़ी समस्या है, जीवन में कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। आर टू ग्रेटर देन आर वन लिखा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्यों, सब मैं जान पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू इज जीरो, देन ये रिलेशन निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हुआ, यहां पर अगर आर टू वाले सेल के क्रॉस जीरो है तो इसके लिए भी जीरो है, ठीक है। और फिर तो कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें कभी भी आर टू वाले सोर्स के अक्रॉस यहाँ पे आर लगाया, मैं बनाया नहीं, इसमें कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इसको सीरीज में लगाया हुआ इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो जो इस सर्किट में करंट है वो हो जाएगा टू ई अपॉन आर प्लस आर वन प्लस आर टू। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दूसरी सर। बात यह है कि जो वी टू हो जाता है वो ई माइनस आई आर टू हो जाता है, ये हमने बताया है कि किसी भी बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वैसे तो ई होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए उसमें से आई आर का अंदर पोटेंशियल इंटरनल ड्रॉप हो जाता है, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर टू हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने चूंकि वी टू को जीरो दे दिया है इसलिए ई की वैल्यू आई आर टू आ गई, जो कि टू ई आर टू अपॉन आर प्लस आर वन प्लस आर टू आ गई। यहां से ई कट गया तो आ गया आर प्लस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू टू आर टू, और ये एक आर टू से एक आर टू कट गया, तो आर प्लस आर वन इज इक्वल टू आर टू, या आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए देख लिया क्योंकि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, इसलिए उसी का ईएमएफ मतलब ज्यादा उसका ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है, इसलिए मैंने देख लिया कि जो मिसप्रिंटिंग इसमें आर टू ग्रेटर देन आर वन लिख रहा है, ठीक सर। आर वन ग्रेटर देन आर टू होगा होगा तो है। तो पहले फिर वाले पहले में ही वाले में जीरो हो जीरो जाएगा हो ना। सकता है, ठीक है। जिसमें जीरो हो रहा है उसी का रेजिस्टेंस देखो बड़ा आ जा रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव आर तो हो नहीं सकता, ये वाली बात, इस वजह से। तो ये भाई दो समस्या इसमें हो गई, एक तो कहाँ किस तरीके से जुड़ा है ये बात क्लियरली लिखा नहीं है। अगर वो अगर मान लो ये इन्होंने जानबूझ करके दिया है कि आदमी इतना सोच सके तो बहुत मुश्किल सवाल हो गई, और जो दूसरी बात है मिसप्रिंटिंग हो गई, ये तो गलत बात हो ही गई, ठीक है, ये तो नहीं ही होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। बोनस अच्छा बेटा ये जो है वो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला सवाल हो गया, ये हमारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं, या कहो तो बता देता हूँ चूंकि मेरी लिस्ट में आ गया। वैसे ये चीज बाहर है, कह रहे हैं टू वोल्ट मीटर वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ सिल्वर आर ज्वाइंट इन पैरेलल व्हेन टोटल चार्ज क्यू फ्लोस थ्रू द वोल्ट मीटर और इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल्स आर डिपॉजिटेड, इफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर जेड वन एंड जेड टू रेस्पेक्टिवली द चार्जेस विच फ्लोस थ्रू द सिल्वर वोल्ट मीटर इज, तो तुम्हें मालूम है एम इज इक्वल टू जेड आई टी टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर जी दोनों के जी या सर। जेड क्यू बल्कि लिखूं यहां पर, तो
तो अगर दोनों के मास इक्वल है तो जेड वन क्यू वन इज इक्वल टू जेड टू क्यू टू ये रिलेशन आ जाएगा, और क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू ये दूसरा रिलेशन आ जाएगा। दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, इसे क्यू वन क्यू टू दोनों को सॉल्व कर लोगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 200 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज। तो भैया क्या कहते हैं, जब वो गर्म है ठीक है, हॉट वाले केस में पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाऊंगा, तो 100 इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू 400 ओम आ जाएगी, लेकिन ये गर्म वाले का रेजिस्टेंस की है। अब ये कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस, तो ठंडे वाले का रेजिस्टेंस 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली टंगस्टन मेटल है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ना भी चाहिए, तो लो टेम्परेचर पे 40 है, हाई टेम्परेचर पे 400। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो है बड़े मुश्किल सवाल हैं और एक जैसे सवाल हैं, तो जरा ध्यान से देखना। तो कह रहे कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रेजिस्टिविटी रो शोन इन द फिगर, करंट आई एंटर्स एट ए एंड लीव्स फ्रॉम डी, वी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड डेल्टा वी डेवलप्ड बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो यहां से करंट घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, मैं बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ। द कैलकुलेशन इज डन इन द फॉलोइंग स्टेप। तो सवाल मुश्किल तुम लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि जो चीज लिखी हुई है उस चीज को खाली हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, तो मैं देखो करके दिखाता हूँ। कह रहे हैं टेक आई एंटरिंग फ्रॉम ए एंड एज्यूम दैट इट स्प्रेड्स ओवर अ हेमिस्फेरिकल सरफेस इन द ब्लॉक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट ई आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बाई यूजिंग ओम्स लॉ, ई इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत है, ये जो कर, ये आया बिकॉज हेमिस्फीयर में अगर करंट बढ़ रहा है तो जितना दूर जाओगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, करंट डेंसिटी घटती जाएगी, और इसलिए E इज इक्वल टू रो आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर हो गया, जहां पे रो उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये क्या खुल गया यार। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। फ्रॉम आर डिपेंडेंस फाइंड ई आर एंड ऑब्टेन वी आर। ठीक है, तो ये मेरी अगर E हो गई ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ जाएगा, बेसिकली कह रहे हैं ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डेल्टा वी हो जाएगा। अब देखो अगर मैं पीछे देखूं तो आर की वैल्यू बी से सी जाने में आर की वैल्यू ए से ए प्लस बी जा रही है। ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, जहां पे ई की वैल्यू आर की वैल्यू पहले ए थी बाद में ए प्लस बी हो जाएगी, ई डॉट डी आर जो है उसमें रो आई अपॉन टू पाई कॉमन आ जाएगा, और वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस वन बाई आर, जो कि इस माइनस साइन के साथ कट करके वन बाई आर हो जाएगा, तो हो जाएगा वन अपॉन वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन अपॉन ए। अब बेटा इसमें मैंने छोटी सी गलती कर दी, इसको यहां साफ साफ लिख लूं, क्योंकि मैं इंटीग्रल ए से ए प्लस बी कर रहा हूं तो मैं ये वी सी माइनस वी बी निकाल रहा हूं, है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं भाई। मैं
आर इज इक्वल टू ए से आर इज इक्वल टू ए प्लस बी जा रहा हूं, तो ये फाइनल पोजीशन तो सी वाली है ना, तो ये वी सी माइनस वी बी कर रहा हूं, ऑब्वियसली देखो ये मेरा नंबर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू रो आई बाई टू पाई वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस बी आना चाहिए, जो कि आना भी चाहिए था, बिकॉज अगर करंट ए से डी की तरफ जा रहा है तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये कह रहे हैं रिपीट सेम स्टेप फॉर द करंट लीविंग फ्रॉम डी, तो अगर सेम स्टेप करेंगे तो उसके लिए भी जे इज इक्वल टू आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इज इक्वल टू रो आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस बार इंटीग्रेट करेंगे तो बी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इस बार डी से यहां की दूरी ए प्लस बी है, ए है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बेसिकली फिर से देखो मैंने यहां पर वी सी वी बी बदल दिए और यहां पे साइन बदल दिए, तो नेट नेट यही चीज आ जाएगी, तो बेसिकली आंसर इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज पूरी जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अगर ए की वजह से बी और सी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डी की वजह से भी बी और सी में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो डबल की वजह से टू और टू कट जाएंगे, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो रो आई अपॉन पाई ए माइनस रो आई अपॉन पाई ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? अच्छा जी सर। और दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, For current entering at A, the electric field at a distance r from A is, तो ये तो भैया मैं पहले ही बता चुका था, रो आई अपॉन टू पाई आर, तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। यहाँ कह रहे हैं E is equal to rho J, ये फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। तो ये रो और J की जगह पे I अपॉन टू पाई आर स्क्वायर हो गया, बस इसमें एक छोटी सी समस्या आ गई जो मैं बता दूं। एक सवाल पूछ रहे हैं, फॉर करंट एंटरिंग फ्रॉम ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए इज, तो इसमें खाली ए से जो करंट घुस रहा है खाली उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो डी से करंट निकल रहा है उसकी वजह से निकालनी है, ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर यही रिजल्ट मुझे नहीं पता तो मैं क्वेश्चन नंबर 40 कर ही नहीं सकता हूं, तो ढंग से ये तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने चालाकी ऐसे करी है कि पहले मुश्किल पूछ लिया ताकि बच्चा उसको देख करके छोड़ जाए और 41 देखे ही, ठीक है। तो ये वैसे तो बहुत मुश्किल सवाल है अगर अपने आप सोच करके करना हो, लेकिन ये बीच में जमाना आया था जब ये ऐसे सवाल देते थे जिनमें कॉम्प्रिहेंशन दे देते थे, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या जो कह रहे हैं वही करना है और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा अगर तुमने कोई गलती नहीं करी, ठीक है। तो ये सवाल वास्तव में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल ना हो करके, मतलब E इज इक्वल टू रो जे जो है वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, उसके अलावा बाकी जो सारा कंसेप्ट था वो E इज इक्वल टू मतलब V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर वाला जो है वो पिछले चैप्टर का पोटेंशियल वाला सवाल है, बट दोनों का मिला जुला सवाल है तो हम लोग कर सकते थे। इसके साथ हमारे जेई मेन के डाउट हो गए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं।